यदि हम मान लो कोई कहे कि यहीं पे आप इसका आईपीएससी नाम बता डालें, तो बच्चों अब इसमें जब देखें तो ये सिंगल बॉन्ड कार्बन में है, तो जनक हाइड्रोकार्बन का नाम क्या होगा? इस जनक श्रृंखला में सात कार्बन है, तो सात कार्बन वाला एल्केन क्या होगा बच्चों? हेप्टेन। देखिए मैं आईपीएससी नेम लिख रहा हूं, हेप्टेन, हेप्टेन हो गया। अब बच्चों इसमें नंबरिंग, नंबरिंग करने के लिए इधर से करें कि इधर से करें, इसके लिए नंबरिंग रूल्स होते हैं। तो नंबरिंग रूल्स में कई नियम हैं, अंकन नियम, अंकन। अब देखो बच्चों, जब ये पेरेंट चेन हो गया तो ये क्या हो गया? साइड चेन इसको बोलेंगे, ये पार्श्व श्रृंखला में आ गया। तो नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से पार्श्व श्रृंखला नजदीक होता है। तो बच्चों इधर से नंबरिंग करिए जरा, 1 2 3। अब ये पार्श्व श्रृंखला थर्ड कार्बन से जुड़ा है, 3 4 5 6 7। तो बच्चों यदि मैं इधर से नंबरिंग करता तो 1 2 3 4, इसको 5 नंबर मिलता, ये गलत नंबरिंग होती, ये नंबरिंग सही है। अब बच्चों ये पार्श्व श्रृंखला है, साइड चेन है, इसका नाम इस ये जनक हाइड्रोकार्बन का नाम है, इसके बाईं ओर लिखना है। तो ये CH2 CH3 यदि मिला दिया जाए बच्चों तो CC2 है, C2, और H3 H2, H5। बच्चों इसका नाम एथिल है। तो बच्चों ये एथिल समूह जो है ये जनक श्रृंखला के तीसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो पहले इसको लिखेंगे 3, इसके बाईं ओर यहां लिखेंगे 3 3, फिर यहां हाइफेन लगाएंगे डैश, फिर इसका नाम लिखेंगे बच्चों एथिल। तो 3 एथिल हेप्टेन, 3 एथिल हेप्टेन, ये बच्चों इसका IUPAC नाम हुआ। चलिए आगे और हम बताते जाएंगे। अब जरा आइए देखें थोड़ा सा चेन रूल सेकेंड पर जरा विचार करें कि दूसरा श्रृंखला नियम क्या है। देखो बच्चों अभी एल्केन के लिए बताया गया चेन रूल फर्स्ट, अब एल्केन के लिए ही प्रतिस्थापित एल्केन के लिए, सब्स्टिट्यूटेड एल्केन के लिए अब चेन रूल देखिए सेकेंड क्या कहता है। बच्चों यहां पे देखो, जैसे CH3 CH2 CH3 CH2 CH3। अब देखो बच्चों 1 2 3 4 5 कार्बन है, ऐसे सीधे चले जाए, कई कार्बन है 5। अच्छा एक बच्चों यहां पे CH के बाद यहां CH3 कर दें, और यहां पर भी क्या कर दें CH3। ध्यान देना बच्चों इस श्रृंखला में कई कार्बन है 5। अब जरा इसको देखिए 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 कार्बन है। इधर देखो 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 कार्बन है। तो कोई भी श्रृंखला देख रहे हैं तो 5 ही कार्बन है। तो सबसे लंबी श्रृंखला कौन है? क्या मैं इसको लेंगे जनक श्रृंखला, भाई 5 ही 5 सब में है, कि इसको लेंगे? तो इसका नियम है, जब कई श्रृंखलाओं में कार्बन परमाणुओं की संख्या समान होती है तब जनक श्रृंखला वह श्रृंखला होती है जिससे जुड़ने वाले पार्श्व श्रृंखलाओं की संख्या अधिक होती है। बच्चों यदि हम इसको जनक श्रृंखला ऐसे सीधे सीधे ले लें, पेरेंट चेन ऐसे ले लें, तो साइड चेन में ये पूरा एक ही कहलाएगा, एक ही रहेगा। लेकिन बच्चों यदि हम इधर से ऐसे होते हुए इधर चले आए, ऐसे होते हुए ऐसे चले आए, तो यदि इसको पेरेंट चेन मान ले तो बच्चों ये भी साइड चेन हो गया, ये भी साइड चेन हो गया, और ये भी क्या हो गया? साइड चेन।
तो अब हमारे पास तीन साइड चेन आ गए। तो बच्चों ये हमारा ये वाला जो है ये है जनक श्रृंखला, यही है पेरेंट चेन। अब कोई कहे कि इसका भी यहीं पे आई यूपीएससी नाम बता दें। देखिए इस श्रृंखला में भी पांच कार्बन है, इस श्रृंखला में भी पांच कार्बन है, लेकिन अंतर क्या है, इस श्रृंखला से केवल एक पार्श्व श्रृंखला इसको एक माना जाएगा, यहां से जुड़ा हुआ है। लेकिन यदि इसको जनक श्रृंखला मानेंगे तो ये भी पार्श्व श्रृंखला, ये भी पार्श्व साइड चेन, ये भी साइड चेन। अब बच्चों नाम रखना है, तो पहले हम जनक हाइड्रोकार्बन का यदि नाम रखते हैं तो जनक श्रृंखला में पांच कार्बन है, यहां सब जगह सिंगल बॉन्ड है, ये एल्केन है, एल्केन का अनुलग्न एन है, और पांच कार्बन को पेंट कहते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो बच्चों यहां लिख देंगे पेंटेन, पेंटेन, ये जनक हाइड्रोकार्बन का नाम हुआ। अब बच्चों नंबरिंग की बात आती है, तो नंबरिंग इधर से करें या इधर से करें, तो यदि मैं इधर से करता हूं उसका रूल्स है, चलिए इधर से कर दिया 1, 2, 3, 4, 5। इससे क्या हुआ, ये दूसरे कार्बन से एक साइड चेन जुड़ा है और इसी दूसरे कार्बन से ये साइड चेन जुड़ा है, 2, इससे भी ये जुड़ा है 2, ये जो है 3 से जुड़ा है, 2, 2, 3। बच्चों ये लोकेंट सेट हो गया, इसको लोकेंट सेट कहेंगे। लेकिन यदि इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1, 2, 3, इसको बच्चों 3 नंबर मिला, चलिए 3 मिला, तो 3, इसको 4, तो इसको 4, इसको 4, 3, 4, 4। तो बच्चों ये भी लोकेंट सेट है, लेकिन ये बड़ा सेट है, ये छोटा सेट है, कैसे मालूम हुआ, चलो इसको जोड़ लो, 3, 2, 5, 2, 7 हुआ, और ये 4, 4, 8, 3, 11 हुआ, ये छोटा है। तो उसके चेन रूल आगे बताएंगे, वहां पे चर्चा होगी। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से छोटा लोकेंट सेट प्राप्त हो, तो ये नंबरिंग बच्चों करेक्ट है। अब बच्चों सवाल ये है कि दूसरे कार्बन से मेथिल जुड़ा है और यहां भी दूसरे कार्बन से मेथिल जुड़ा है और तीसरे कार्बन से इसको इकट्ठा कर ले बच्चों तो एथिल हो जाएगा, C2H5। अब बच्चों नियम क्या है, इधर हम पार्श्व श्रृंखलाओं को लिखेंगे लेकिन उसमें नियम बताए गए हैं कि जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है उसका नाम पहले लिखा जाता है, जो बाद में आता है उसका नाम बाद में लिखा जाता है। बच्चों ये एथिल है, एथिल की स्पेलिंग PTHYL है, एथिल। बच्चों ये मेथिल है, मेथिल समूह METHYL। बच्चों ये भी मेथिल है METHYL। बच्चों अंग्रेजी वर्णमाला में ई और यम को देखिए कौन पहले आता है, ABCDE, तो ये पहले आता है। तो बच्चों पहले एथिल का ही नाम लिखा जाएगा इसके सबसे पहले, तो एथिल एथिल है, तो ये एथिल किस कार्बन से जुड़ा है, तीसरे। तो इधर बच्चों एकदम शुरू में लिखेंगे 3-ethyl। इसके बाद बच्चों किसका नाम लिखेंगे, ये दूसरे कार्बन से मेथिल है, दूसरे से भी मेथिल है, तो यहां हाइफन लगाएंगे, 2, 2। दो बार लिखेंगे, 2 पर भी मेथिल, 2 पर भी मेथिल, 2 बार मेथिल, तो डाई मेथिल, डाई मेथिल पेंटेन। बच्चों इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का, कार्बनिक यौगिक का IUPAC नेम होगा 3-ethyl-2-methyl और 2-methyl, तो 2, 2 मेथिल दो बार आया, 2 को डाई कहते हैं, तो डाई मेथिल, और ये पेंटेन तो है ही। इसी प्रकार और भी चेन रूल्स हैं जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे।